guys, welcome to my channel. As you can see in the intro clip, आज का वीडियो नेल एक्सटेंशंस के बारे में. तो मुझसे बहुत लोगों ने नेल एक्सटेंशंस के बारे में पूछा एंड दे वांटेड मी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू गाइस. सो योर विश इज माय कमांड. आल्सो मैं इसमें आपको नेल एक्सटेंशन का पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, अप्रोक्सीमेट रेट बताऊंगी और उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं. यू शुड एक्चुअली डू एक्सपेक्ट नॉट एक्सपेक्ट. विल कवर ऑल सच पॉइंट्स इन द वीडियो. आई विल ऑल्सो ट्राई टू इंक्लूड द वीडियो जब मेरा एक्चुअली मैं नेल एक्सटेंशन करा रही थी. मैं वो वीडियो भी इंक्लूड करूंगी ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होते रहे कि एक्चुअली क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेल एक्सटेंशन कराने में आपको अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटा 90 मिनट्स लग जाते हैं. जब आप जाएंगे उन लोग बोलेंगे आपका हम 45 मिनट में कर देंगे, 60 मिनट में कर देंगे, बट आई एम वेरी श्योर मैंने जितनी बार कराया 90 मिनट्स यू हैव टू हैव विथ यू इफ यू वॉन्ट टू गेट नेल एक्सटेंशन. सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रेट इसका, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 एंड इट गोज टिल 3000. ऑब्वियसली उससे भी ज्यादा होता होगा, मैंने इस रेंज में ही हमेशा कराया है. ओके, और नेल एक्सटेंशन की जो वैलिडिटी मतलब वो कितने दिन चल सकता है, 25 to 30 days वो चल जाता है. उसके बाद आपको रिफिल कराना पड़ता है, तो दैट इज अ कम्प्लीट डिफरेंट टॉपिक. अब अपन स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली जब आप जाएंगे एंड वॉट यू कैन एक्सपेक्ट नेल एक्सटेंशन में क्या होता है. सबसे पहले वो आपका थोड़ा मिनी मैनिक्योर जैसा करेंगे, जो आपके नेचुरल नेल्स है और आसपास की जो स्किन है, मे बी यू कैन कॉल इट एज डेड स्किन, वो आपके डेड स्किन को निकालते हैं, आसपास के मैनिक्योर करते हैं एंड आपके नेल्स को फाइल करते हैं, उसको एक अच्छा शेप देते हैं अगर वो पहले से ऑलरेडी अच्छे शेप में नहीं है तो. नाउ नेक्स्ट थिंग, उनके पास एक्सटेंशंस के बहुत सारे नेल होते हैं, बहुत सारे साइजेस होते हैं. वो आपके नेल का जो बेड है वहाँ नेल्स रख रख के चेक करेंगे कि कौन सा नेल जो एक्सटेंशन है वो आपके नेल बेड को सूट करेगा. क्योंकि किसी के नेल्स लंबे होते हैं, किसी के ये बेड बहुत छोटा होता है, बहुत सकरा होता है, बहुत पतला होता है. सो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो वो चेक करेंगे और जब उन्हें फील होगा कि हाँ अब जो ये साइज है वो आपके अपने नेचुरल नेल में बहुत अच्छे से बैठेगा, वो उनके पास एक ग्लू होता है जो कि नेल ग्लू होता है एंड आई थिंक दैट इज रियली स्ट्रांग. क्योंकि वो एक ड्रॉप उस ग्लू का लेते हैं एंड दे विल सीरियसली ऐसे स्टिक करने का ट्राई करते हैं और वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है. सो दैट ग्लू इज क्वाइट स्ट्रांग ग्लू. नाउ एज यू कैन सी कि आपके पास 3 or 4 टाइप के शेप्स, मोस्टली जो बहुत फेमस शेप्स है वो यही है, ओवल है, कॉफिन शेप है, स्क्वायर शेप है. तो दे विल आस्क यू कि आपको कौन सा शेप प्रिफर है, क्योंकि उस हिसाब से वो आपका नेल कट करेंगे. क्योंकि जो ओरिजिनल एक्सटेंशन है वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, नियरली इतने लॉन्ग होते हैं. ऑब्वियसली इतने लॉन्ग नेल आप लेके डेली लाइफ जी नहीं पाओगे, तो वो उसको कट करेंगे और वो उसको प्रॉपर शेप देंगे, जो भी शेप आप उसमें से अकॉर्डिंगली चूज करोगे. अब सुनने में ये कम लग रहा है लेकिन एक्चुअली जब ये दोनों हैंड्स में होता है ये काफ़ी टाइम लेता है. देन दे हैव सम लिक्विड काइंड ऑफ थिंग जो एक्चुअली अब आपका जो ये नेल है उसको और स्ट्रॉन्ग करता है. आप उसमें अच्छे से फिट होने के लिए एक लिक्विड जैसा कुछ होता है जो वो ब्रश से अप्लाई करते हैं एंड आफ्टर दैट दे विल आस्क यू टू पुट योर हैंड इनसाइड द यूवी लैम्प. एक्चुअली ऑनेस्टली जब आप इस वक्त अपना हाथ रखोगे तो हो सकता है कि फॉर 5 seconds आपका हाथ थोड़ा सा जले, क्योंकि जो वो ग्लू होता है, इट्स नॉट एक्चुअली ग्लू, वो जो भी लिक्विड होता है वो मेल्ट हो रहा होता है और वो आपके हैंड्स में रहता है. वो सिर्फ 5 seconds के लिए थोड़ा जलता है. सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि दैट इज़ वेरी नॉर्मल एंड आफ्टर दैट इट्स ऑल फाइन. और यूवी लैम्प में वो 60 seconds या 1 minute के आसपास, 60 seconds में 1 minute एक ही होता है वैसे, 1 minute और 90 seconds के आसपास रखते हैं एंड देन दे विल आस्क यू टू टेक इट आउट एंड अगेन दे विल रिपीट द सेम प्रोसीजर एंड आफ्टर दैट दे विल अगेन फाइल. फाइल वो बहुत बार करते हैं ताकि आपका नेल बिल्कुल ऐसा ना लगे कि वो आपका एक्सटेंशन है. एक्चुअली वो बिल्कुल आपका नेचुरल नेल्स ही लगता है एंड इट्स नॉट वेरी थिक, तो वो इतने अच्छे से फाइल कर देते हैं कि वो बिल्कुल लगेगा कि वो आपके ओरिजिनल
nails. After that, you have the option ki aap kaun sa color choose karna chahte hain, aap glitter mein jana chahte hain, chrome mein jana chahte hain. There are a variety of options. Now, according to your choice, aapka rate differ karega actually. French nail ka alag price hai, chrome is a little higher on the side. Agar aap normal color choose karte hain, then that is slightly less. So that depends on you ki aapko kya chahiye tha. This is about the whole procedure jo aapke saath ye hota hai. Then again they will apply nail polish, aapko UV light mein rakhna padega. This procedure will happen at least thrice or four times till ki aapka nail polish bilkul acche se dry ho gaya hai, and it really looks beautiful. Nail extensions, I am a very big fan of nail extension, mujhe bahut pasand hai. It makes your hands really beautiful. इस वक्त मेरे hands में नहीं है क्योंकि 3-4 months से मैं nail extensions करा रही थी, and after 3-4 months you should give your hands a break क्योंकि आपके जो original nails हैं वो फिर थोड़े brittle होना start हो जाते हैं, so you should give that break to your own hands. Also अब nail extensions के बाद जो आपका वो extension है वो आप refill करा सकते हो. See, after 25 days, आपका जो original nail है, वो भी बढ़ने लगेगा, तो जो आपका extension है, वो थोड़ा आगे आ जाएगा, थोड़ा long भी हो जाएगा, and then वो थोड़ा soft भी हो जाता है, you know, it's prone to break. तो क्या होता है, आप refill करा सकते हैं. Refill भी normally पूरा same procedure होता है, उसका cost थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसमें वो new nails नहीं लगा रहे. उस नेल में ही वो जो मैंने आपको ग्लू जो आपको लिक्विड बताया था वो लिक्विड डाल के उन लोग फायर वेल करके बिल्कुल फिर से उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, एंड यू कैन गेट अ न्यू कलर और न्यू डिजाइन, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन गेट अ नेल आर्ट. सो दैट वॉज ऑल अबाउट नेल एक्सटेंशन विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज. प्लीज लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वॉज दिस हेल्पफुल, एंड इफ इट वॉज प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सब्सक्राइब. बाय.